हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीश। आज आप लोगों को नेल फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। तो नेल फंगल इन्फेक्शन इसका मतलब क्या समझे, तो पहले ये बता रहे हैं। तो नाखूनों का पीला पीलापन हो जाना, काला काला हो जाना, नाखूनों का टूटना, उसी को नेल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और नेल फंगल इन्फेक्शन होने का कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मुख्य जो कारण है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। फर्स्टली तो है शरीर में अगर आपका इम्यूनिटी पावर की कमी है, मतलब कि शरीर में कुछ कमजोरी है, उसके वजह से भी आप नेल फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है जेनेटिकल प्रॉब्लम भी आता है नेल फंगल इन्फेक्शन में, तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन जो है नेल फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही बेहतर काम करती है। और उस मेडिसिन का जो बेस्ट मेडिसिन है बस उसी के बारे में बताएं। ऐसे तो होम्योपैथिक में नेल फंगल इन्फेक्शन का बहुत सारा मेडिसिन है, जो बेस्ट है वही मेडिसिन हम आप लोगों को बताएं। तो नेल फंगल इन्फेक्शन का पहला मेडिसिन है एंटियम ग्रुप। तो एंटियम ग्रुप दोस्तों बहुत ही बेटर मेडिसिन है। उसमें होता है कि नाखूनों का हल्का पीलापन कालापन टूटता जाता है, उसमें खुजली हो, तो वैसे अवस्था में आप एंटियम ग्रुप आप 30 पावर में ले लें। सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएं, तो इस एक ऐसा अगर सिम्टम है तो आप एंटीम ग्रुप लें। और दूसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। तो एसिड नाइट्रिक का पेशेंट जो होगा उसे बहुत ज़्यादा पसीना होगा। दूसरी चीज़ है कि हल्का हल्का पीलापन होगा, हल्का कालापन भी होगा, और एक्सेस नाखून जो है वो टूटेगा, तो इसका पेशेंट ऐसा होगा। उस अवस्था में आप एसिड नाइट्रिक चला सकते हैं 30 पावर में दो दो बूंद लें। और एक क्रीम है स्ट्रॉबिक कंपनी की, टोपी हिल क्रीम है, उसे भी आप लेकर के नाखूनों पर लगा सकते हैं। ऐसे अगर आप टोपी हिल जो क्रीम है आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, उस क्रीम को नाखूनों पर लगा। उसमें भी एलन कैलेंडुला और इचिनेसिया का मदर टिंचर है, जो बहुत ही नेल फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।